नंदुरबार जिले में ऑर्गेनिक मटेरियल की उपलब्धता बहुत है। जिले के ट्राइबल फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम ही करते हैं, लेकिन यहाँ का ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल बाहर के जिले में जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र नंदुरबार ने पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक इनपुट्स बनाना और इसका इस्तेमाल करना इसके लिए बढ़ावा दिया है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे कंपोस्ट खत, वर्मी कंपोस्ट, बोटानिकल पेस्टिसाइड्स जिसमें नीम पाउडर, नीम तेल बनाना वो उसका इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सिंपल बेड पद्धति वो प्लास्टिक बेड पद्धति सिखाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खत की इस अवेयरनेस की वजह से वर्मी कंपोस्ट खत बना के खुद के खेत में उपयोग करने वाले किसानों की संख्या हमारे जिले में ज़्यादातर बढ़ रही है। कपास, पपीता, केला और वेजिटेबल में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिले में 10 रूरल यूथ्स ऐसे हैं जिसने वर्मी कंपोस्ट बनाने और बेचने का बिजनेस चालू कर दिया है। इसमें से एक तलोदा तहसील के बिजनेसमैन साल भर में 1000 टन वर्मी कंपोस्ट बनाता है और वो हमारे ज़िले में और बाजू के ज़िले में इसका सेल करता है। नवापुर तहसील का एक युवक ऐसा है जो पूरे गांव का फार्म यार्ड मैन्यूअर खरीद कर उसी से वर्मी कंपोस्ट बनाता है। मेरा नाम जीका काशीनाथ चौधरी। मैं 2005 से कृषि विज्ञान केंद्र कोल्दा इसके संपर्क में आने के बाद में मुझे ये कचुआ खत और वर्मी वाश और जीवामृत निम्बोड़ी खत ऐसे 4 प्रोडक्ट बनाता हूँ और ये सब मुझे आइडिया कृषि विज्ञान केंद्र से मिली है और उनका जो संपर्क मिला वहाँ से। मैं एक फॉरेस्ट लेबर था, मेरे पास कोई धंधा नहीं था, तो वो धंधे के इसके हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्र ने मुझे जो गाइडलाइन करी उसके ऊपर मैं आज 1000 टन एक साल में बनाता हूँ और नंदुरबार जिला और पूना गुजरात इधर में बेचता हूँ। और ये वर्मी वाश 30 रुपये लीटर से बेचा जाता है। बेचते हैं ये कचुआ से ये तैयार होता है और ये ज़्यादा ये इधर के खेड़ूत इसको फवारने और भाजीपाले के लिए वापरते हैं। मानसिंह अंथावड़वी राहणार सोनपाड़ा तालुका नवापुर जिला नंदुरबार। मैं और मेरा शतकरी गढ़ यहाँ शतकरी गढ़ इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण लेके ये यूनिट किया है। पिछले 2 सालों से हम ये यूनिट चला रहे हैं। इसमें पहले कृषि विज्ञान केंद्र ने पहले साल 5 बेड दिए थे, उसके साथ हमने दूसरे 10 बेड ले लिए और सिंपल पद्धति और बेड की पद्धति से हम ये केचुआ खत बना रहे हैं। साल भर में हम केचुआ खत बेचकर कम से कम 1 लाख रुपए ये यूनिट से कमा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नंदुरबार द्वारा नीम पेस्टिसाइड के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें सॉइल एप्लीकेशन के लिए और स्प्रेइंग के लिए नीम पाउडर बनाना तथा नीम ऑयल बनाना और ये सारे नीम प्रोडक्ट्स अलग अलग क्रॉप्स में इस्तेमाल करना आदि सारी जानकारियां इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मुझे जो आइडिया दिया वो हिसाब से मैं नीम खली, नीम तेल ऐसा ये यूनिट चालू किया जाता है। मैंने 1 टन से शुरुआत की और 150 टन तक आज तक मैं पहुंच गया हूँ और मेरे पास निम्बोड़ी कुछ बस्ती नहीं है, 2-3 महीने में निम्बोड़ी खलास हो जाती है। ये मेरे पास लाइट नहीं है तो मैंने ट्रैक्टर के सहारे ये मशीन शुरू किया है। तो ये मेरी नीम खली है, इसमें से तेल नहीं निकालता ज़्यादा, इसके लिए एकदम अच्छा क्वालिटी का है तो इधर के शेतकरी उसको ज़्यादा डिमांड देते हैं। तो कोई केला और इधर जो बागायत फसल है वो भाजीपाला उसके लिए ये तरबूज डांगर पपई केला ये सब पीक के लिए चलता है। इधर के खेड़ों की इसको ज़्यादा डिमांड करते हैं। इधर के साथ में मैं नीम तेल निकालता हूँ और ये नीम तेल यहाँ से 200 रुपये लीटर से ये खेड़ूत फवारने के लिए ले जाते हैं और ये तेल पूरे जिले में इसको ज़्यादा डिमांड है।